तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद बीजेपी पर बरसे नीतीश कुमार, कहा जिनको 2024 में हमने जिताया था उन्हें 2024 में हराएंगे चुनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी की कुल संपत्ति लाखों से बढ़कर हुई करोड़ों में, तो लोगों ने उठाए सवाल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हापुड़ में झंडा बेचने पर बीजेपी के विरोध में उतरे लोग, बोले इन्होंने देश बेच दिया, अब 20 रुपए का झंडा बेचकर क्या करना चाहते हैं भाजपा। भाई आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत माता के हाथ में तिरंगे की जगह आया भगवा ध्वज, तो कर्नाटक में इस पोस्टर को लेकर शुरू हुआ बवाल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तराखंड में बीजेपी ने किया ऐलान, कहा जिस घर में तिरंगा नहीं लहराया उसे हम विश्वास की नज़र से नहीं देखेंगे। भाई आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली में बुरी तरह से फंसी भाजपा, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया MCD में 600 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप, CBI जांच की है मांग, कई बीजेपी के नेता अब जाएंगे जेल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो CM पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा 2024 में जो लोग आए थे वो 2024 में नहीं रह पाएंगे PM। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार की 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार ने पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राज्य के विधानसभा चुनाव के बाद भैया खुद को CM नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें जबरदस्ती CM बनाया। आगे उन्होंने कहा कि पिछले 2 महीने से मेरे हालात भी ठीक नहीं थे। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद मैं बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था, लेकिन बीजेपी ने जबरदस्ती मुझको मुख्यमंत्री बनाया। CM पद की शपथ लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार ने आगे कहा कि जो लोग 2024 में सत्ता में आए थे, क्या वे 2024 में विजय होंगे? ये बात मैं सभी विपक्षी दलों से कहना चाहूंगा कि वे 2024 के लिए एकजुट हो जाएं। मैं ऐसे किसी PM की रेस के पद में नहीं हूं। गौरतलब है कि बिहार में अब महागठबंधन की सरकार आ गई है और बीजेपी से नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ लिया है और नीतीश कुमार 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि नीतीश कुमार बीजेपी से काफी नाराज है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हापुड़ के बीजेपी कार्यालय में 20 रुपए में बिका तिरंगा, हरियाणा में झंडा नहीं लेने वालों को राशन देने से इनकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा मुहिम शुरू की, इस बीच हापुड़ का एक वीडियो सामने आया जिसमें बीजेपी नेता स्टॉल लगाकर तिरंगा झंडा बेचते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में बीजेपी के जिला अध्यक्ष उमेश कुमार राणा भी मौजूद हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि 2-3 लोग वहाँ कुर्सी पर बैठे हैं और जो लोग भी उनसे तिरंगा लेने आ रहे हैं उन लोगों से ये 20 रुपये ले रहे हैं। इस पर लोगों ने प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर हमला बोला। एक यूजर्स आदिवासी अशोक अड़ ने कहा कि क्या दिन देखने पड़ रहे हैं, देश बेच दिया अब झंडा बेचने पर ये लोग आ गए हैं। चौहान विकास नाम के एक और यूजर ने कहा कि बीजेपी RSS की सड़ी हुई मानसिकता ने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया, इन्हें अब सुधाई है कि अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए, या यू भी कह सकते हैं कि सब कुछ तो बेच दिया अब और कुछ नहीं बचा तो ये तिरंगा ही बेच रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा में तिरंगा झंडा नहीं लेने पर मुफ्त वाला जो मोदी का राशन है वो डीलरों ने देने से इनकार कर दिया। इसके बाद भी भाजपा पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या तिरंगा लेने पर ही राशन मिलेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी की कुल संपत्ति लाखों से बढ़कर हुई करोड़ों में, लोगों ने उठाए सवाल। जब दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की कुल संपत्ति लाखों से बढ़कर अब करोड़ों में हो गई है, जिसके बाद लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की संपत्ति पर सवाल उठाए हैं। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के पास कुल 2.23 करोड़ रुपये की संपत्ति इस समय मौजूद है। इसमें अधिकांश बैंकों में जमा राशि है, हालांकि उनके पास कोई भी अचल संपत्ति नहीं है क्योंकि उन्होंने गांधीनगर में अपने हिस्से की एक जमीन दान कर दी थी। प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक मोदी का बॉन्ड, शेयर या म्यूचुअल फंड में कोई निवेश नहीं है, लेकिन उनके पास सोने की 4 अंगूठी हैं जिसकी कीमत 1.73 लाख रुपये है। मोदी की अचल संपत्ति एक साल पहले के मुकाबले 26.13 लाख रुपये बढ़ी, लेकिन उनके पास कोई अचल संपत्ति नहीं है जिनकी कीमत वर्ष 2023 के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार 1.1 करोड़ रुपये थी। PMO की वेबसाइट के मुताबिक 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार मोदी के पास कुल 2.23 लाख 82 हज़ार की संपत्ति है। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री तब उन्होंने अक्टूबर 2022 में एक आवासीय जमीन खरीदी थी और इसके वह 3 अन्य लोगों के साथ संयुक्त रूप से स्वामी थे तथा इनमें सभी की बराबर की हिस्सेदारी थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी की संपत्ति काफी बड़ी है और लाखों से करोड़ों में पहुंच गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत माता के हाथ में तिरंगा की जगह आया भगवा ध्वज, कर्नाटक में पोस्टर को लेकर बवाल। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के मैंगलोर यूनिवर्सिटी में 11 अगस्त को होने वाले एक कार्यक्रम के पोस्टर को लेकर हंगामा खड़ा हो गया है।
दरअसल आपको बता दें कि कार्यक्रम से जुड़ा एक पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें भारत माता के हाथ में तिरंगे की जगह भगवा झंडा दिया हुआ है। इस पोस्टर को लेकर राज्य में बवाल खड़ा हो गया है। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने कार्यक्रम के आयोजकों की मंशा पर सवाल उठाए, तो वहीं एबीपी ने खुद को इस पोस्टर से अलग किया। टाइम्स नाव की रिपोर्ट के अनुसार एबीपी से जुड़े एक स्टूडेंट ग्रुप ने 11 अगस्त को मैंगलोर विश्वविद्यालय में राष्ट्रवाद की भावना को प्रज्वलित करने के लिए भारत माता पूजन का आयोजन किया। कार्यक्रम के प्रचार के लिए ये पोस्टर तैयार किया गया, जिसमें भारत माता को भगवा ध्वज के लिए पोस्टर में दिखाया गया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस पूरे देश में तिरंगा अभियान चला रही है, लेकिन जो पोस्टर ये हिंदूवादी संगठन जारी कर रहे हैं उसमें तिरंगा कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है और तिरंगे की जगह भगवा झंडा दिखाई दे रहा है, जिससे लोग काफ़ी आहत हैं और वो सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी एक तरफ तो देशभक्ति लगा रही है और कह रही है कि हम बहुत बड़े देशभक्त हैं, तिरंगा अभियान पूरे देश में चला रहे हैं, लेकिन उनके ही कुछ हिंदूवादी संगठन तिरंगा को लेने हाथ में माफ कीजिएगा तिरंगा लेने के लिए तैयार नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में सरकार गिरने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी पर ली चुटकी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री बन गए। तेजस्वी यादव ने भी डिप्टी सीएम की शपथ ले ली। अब 164 विधायकों के समर्थन में राज्य में एक बार फिर महागठबंधन की सरकार बनी, लेकिन बीजेपी इस पूरी सरकार को ही जनादेश का अपमान बता रही है। नीतीश कुमार के अलग होने के फैसले को विश्वासघात कह रही है। इसी बीच टीएमसी सांसद और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। जोर देकर उन्होंने कहा कि बीजेपी के इस समय तोते उड़ गए हैं, विपक्ष को खत्म करने के सपने देखने वाली पार्टी खुद अकेली रह गई। आज तक से बातचीत करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे कहा कि बिहार से संदेश स्पष्ट निकल रहा है कि पूरे विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा। ममता बनर्जी भी ऐसा ही चाहती हैं। अखिलेश भी एकता की बात कर चुके हैं। बिहार में नीतीश तेजस्वी साथ आए हैं, अगर बिहार में 164 विधायक साथ आ सकते हैं तो देश में भी तमाम विपक्षी एक क्यों नहीं हो सकते। हर बात को भुलाकर साथ आना चाहिए और बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहिए। वहीं आपको बताते तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बीजेपी की मुश्किलें एक बार फिर से देश में बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तराखंड में बोली बीजेपी, जिस घर में तिरंगा नहीं लहराया गया उसे विश्वास की नेर से हम नहीं देख सकते। या दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। सभी को तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। विपक्ष एक तरफ इस अभियान को राजनीतिक बता रहा है तो बीजेपी के ही कुछ नेता इसे अलग रंग देते दिख रहे हैं। इस समय उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान चर्चा में आ गया है। दरअसल आपको बता दें कि हल्द्वानी में बड़ा बयान देते हुए उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जिस घर में तिरंगा लहराता हुआ नहीं दिखाई देता है वह घर की तरफ विश्वास की नज़र से नहीं देखा जाएगा। उनके इस बयान पर विवाद शुरू हो गया है। अभी तक नेता की तरफ से कोई सफाई तो पेश नहीं की गई, लेकिन इस बयान का ज्यादा लोग स्वागत नहीं कर रहे हैं। वैसे इससे पहले भी इस अभियान को लेकर कुछ विवादित बयान देखने को मिले हैं, फिर चाहे वो महबूबा मुफ्ती का बयान हो या फिर फारूक अब्दुल्ला का। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में सरकार बनाने के बाद जेडीयू ने बीजेपी को दिया तगड़ा झटका। कहा ईडी और सीबीआई से बिहारी नहीं डरते। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने बुधवार को कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष द्वारा जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए जाने के बावजूद पार्टी उससे अलग हो गई है, क्योंकि उसे ईडी और सीबीआई का डर नहीं है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने अरुणाचल प्रदेश में हमारे विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था, जबकि विधायक वहां की सरकार का समर्थन कर रहे थे। लल्लन सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। ये पूछे जाने पर क्या भाजपा से अलग होने से जेडीयू जाँच एजेंसियों के माध्यम कथित राजनीतिक प्रतिशोध की चोट में आएगी, तो उन्होंने कहा कि वे किसी भी जांच एजेंसी से नहीं डरते हैं, बीजेपी जो चाहे वो कर ले, हम ईडी और सीबीआई से नहीं डरते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो न्यायमूर्ति ललित 49वें प्रधान न्यायाधीश नियुक्त, राष्ट्रपति ने लगाई मुहर। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को बुधवार को भारत का 49वां प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया। राष्ट्रपति ने उनके नियुक्ति आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। न्यायमूर्ति ललित 27 अगस्त को सीजेआई का पदभार ग्रहण करेंगे। निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण एक दिन पहले सेवानिवृत्त होंगे। कानून मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 124 के उपबंद 2 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश उदय उमेश ललित को भारत का प्रधान न्यायाधीश नियुक्त करती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर आरोप। सिसोदिया एलजी को लिखा पत्र, कहा एमसीडी में हुआ है 6,000 करोड़ का घोटाला, सीबीआई जांच की मांग। जय दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को उपराज्यपाल वी के सक्सेना को पत्र लिखकर दिल्ली नगर निगम में 6,000 करोड़ रुपये के कथित टोल टैक्स घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की है।
सिसोदिया ने हिंदी में लिखे गए पत्र में कहा कि दिल्ली के नगर निगम में एक बड़े भ्रष्टाचार की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस मामले में सीबीआई जांच करवाएं और भ्रष्टाचार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। इस भ्रष्टाचार के कारण एमसीडी को लगभग 6000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। उन्होंने राजधानी में प्रवेश करने वाले बड़ी जी वाहनों से वसूले गए टैक्स में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इस घटनाक्रम से पहले आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को एमसीडी पर आरोप लगाया था कि उसने टोल टैक्स कंपनियों के साथ मिलीभगत कर सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि दिल्ली में बीजेपी बुरी तरह से घिरती हुई दिख रही है।